शाजापुर के माता राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने संकल्प दिवस मनाया। अपने मानदेय में वृद्धि सहित अन्य 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को एक स्मरण पत्र सौंपते हुए अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सरकार की वादा खिलाफी के लिए जमकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा हमें नियमित कर शासकीय मान्यता प्रदान कर एक निश्चित मानदेय देने का वादा किया गया था, जिसका लिखित रूप में आदेश सरकार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। हमने कोरोना काल में भी अपनी और अपने परिवार की परवाह नहीं करते हुए तन मन से अपनी सेवाएं दी। इसके बाद भी हमें कोई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया और ना ही हमारे वेतनमान में बढ़ोतरी की गई। ये स्मरण पत्र के रूप में ज्ञापन दिया गया है। इन्होंने पूर्व में भी हड़ताल की थी। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी कर देंगे। इनका ऐसा कहना है कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इसको अपन मूल प्रति त्वरित ही अपन इसको प्रेषित करेंगे। नियमितीकरण किया जाए तो हमें एक नियमित मानदेय फिक्स किया जाए हमारे लिए। जब हम लोगों ने अभी प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, 25 दिन की हमारी हड़ताल चली थी, काम बंद हड़ताल, उसमें हम लोगों ने जब NRHM में बात हुई हमारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की और जो हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे उन लोगों की, तब वो NRHM में यह प्रस्ताव रखा गया था कि 10,000 आशा कार्यकर्ताओं का और 15,000 आशा सहयोगियों का फिक्स मानदेय दिया जाएगा। और यह लेटर हम तुम्हें 2 घंटे में दे रहे हैं, ना कि उन्होंने 2 घंटे में वो लेटर नहीं दिया। उसके बाद में फिर स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे साथ मीटिंग रखी, जो प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी गठित करी है उनके साथ हमारी मीटिंग हुई।